हेलो फ्रेंड, नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये देख लीजिए, ये है लाइची। और लाइची का प्रयोग वैसे हम अपने, जैसे कि दोस्तों कोई भी मिष्ठान बनाते हैं उसमें खुशबू लाने के लिए अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। मुंह के दुर्गंध को भी दूर करने के लिए इसका जो है प्रयोग करते हैं। इसके मैं औषधि गुणों की बात करूँ तो पेशाब के जलन को, पेट में गैस बन जाता उसे दूर करते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के दर्द है, सूजन है, यकृत का बढ़ना उसे ठीक करने का काम करते हैं। इसका बहुत सारा आयुर्वेदिक फायदा है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। मेरे अगर वीडियो में बताया जा रही थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे आप मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख करके आए हैं कि किस प्रकार से ये मुंह के छाले को दूर करता है। ये अकेला मुंह के छाले को दूर नहीं करता, इसके साथ में एक चीज और मिलाना है, वो भी मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी आगे बढ़ाने से पहले, हमारे वीडियो में अगर बताया जा रहे थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये मुंह के छाले को क्यों ठीक करता है, इसके साथ में क्या चीज मिलाना चाहिए। तो जो ये छोटी इलायची है ना, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, इसका दो प्रजाति होती है। एक जो इलायची होती है वो बड़ी होती है, जिसका प्रयोग खासकर मसाले के रूप में करते हैं, और ये है छोटी इलायची। तो छोटी इलायची के आपको बीज को पीसना है, ठीक है। छोटी इलायची के बीज पीस लेना है, और इसके पीसे हुए बीज में आपको थोड़ा सा कत्था का पाउडर मिलाना है। जी हाँ, वही कत्था जो हम पान में मिला करके खाते हैं, उसका पाउडर इसके साथ में मिला करके दोनों को मिक्स करके आपके मुंह के छाले पर लगाना, या जिसके मुंह में छाले हो गए उसे लगाने के लिए बोलिए। बिल्कुल ही इसके दो ही बार के प्रयोग से, सुबह शाम दो ही बार के प्रयोग से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, और लार टपक करके मुंह के जितने भी गंदगी होते हैं खत्म हो जाते हैं और छाले ठीक हो जाते हैं। इतना ज़्यादा ये प्रभावी होता है, और इसके प्रयोग करने से नपुंसकता भी ठीक हो जाते हैं, और भूख अधिक भी लगता है इलायची का प्रयोग करने से। इलायची खाने से अगर आपके गले में किसी भी प्रकार के खराश भी आ गए हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। तो ये थे छोटे से आयुर्वेदिक जानकारी इलायची के संबंध में। यह जानकारी कैसा लगे मित्रों हमें जरूर बताना। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।